विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन की एक नई हरकत सामने आई है। उसकी ये हरकत समुद्री क्षेत्र में एक नए विवाद को जन्म दे सकती है और इस बार चीन अपने पैतरेबाजी का शिकार फिलीपींस को बनाना चाहता है। दरअसल फिलीपींस के जल क्षेत्र में चीन के 220 सैन्य जहाजों के घुसने का मामला सामने आया है। फिलीपींस के तटरक्षक बल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर स्थित विवादित चट्टानों के पास इन जहाजों को 7 मार्च को देखा गया था। इसके कुछ दिन पहले भी चीन की एक हरकत सामने आई थी, जब चीन के 11 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में प्रवेश कर गए थे। तब ताइवान की वायुसेना ने उनका पीछा करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। उसके बाद ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया है। इस पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि चीन लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है। वहीं फिलीपींस सागर के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स ने विवादित जल क्षेत्र में चीन द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने और समुद्री पर्यावरण को नष्ट करने पर चिंता जताई। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन लगातार ऐसी हरकतें करता रहा तो चीन सागर दोबारा अपने मूल रूप में कभी दिखाई नहीं देगा। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस जल क्षेत्र से ही मछली पकड़कर अपने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पूरी करना चीन की मजबूरी भी है। फिलीपींस के क्षेत्र में चीन की इस गतिविधि पर जब चीन के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मनीला स्थित चीनी दूतावास ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे अधिक संसाधन संपन्न समुद्री क्षेत्रों में से एक है। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से इसकी सीमा लगती है। जल क्षेत्र को लेकर संयुक्त राष्ट्र समझौते के विपरीत चीन इसके विशाल हिस्से पर अपना दावा करता है। खैर, दूसरे देशों के हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चीन की नीतियों का हिस्सा है। उसकी हरकतें हमेशा विस्तारवादी रही है, जो अन्य देशों के साथ उसके विवादों का कारण भी बनती है। चीन हर एक देश की जमीन पर हमेशा निगाहें टिकाए रखता है और मौका मिलते ही कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे कि विवाद जन्म ले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।